एक बार जो है जोरदार ताली हो जाए इसके लिए, बजाओ और जोरदार। देखो आज का जो है ना इंटरव्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं एसएस का। तुम लोगों को बता देते हैं कि एसएस को जो है ना मैथ में जो है इस बार बीएससीबी 2023 का जो मैट्रिक एग्जाम हुआ है उसमें 99 नंबर आया है, ठीक है, एक नंबर कटा है। सबसे पहले यही पूछ लेते हैं एसएस से कि क्या लग रहा था कि एक नंबर कटता या मतलब क्या लग रहा था कटेगा कि नहीं, 100 में 100 लग रहा था? सर लग रहा था नहीं कटेगा। आप जोर से बोलो, धीरे मत बोलो। क्या लग रहा था? लगता है सर कि नहीं कटेगा, हम पूरा बढ़िया से बना के आए थे, हमको सर उम्मीद था कि 100 में 100 आएगा, मगर एक नंबर सर कट गया। चलो एक नंबर जो है ना बहुत ये होता है, 100 में 100 जल्दी दिया नहीं जाता है, एक नंबर तो कट ही जाता है, ठीक है। और हम लोग जो है ना हर कुछ समझेंगे कि किस तरह से ये तैयारी, देखो 99 नंबर लाना वो भी मैथ में लाना छोटा बात नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत सारा कुछ लगता है। क्या क्या ये करता था, क्या इसका रूटीन था, है ना, किस तरह से ये पढ़ता था, इसके अलावा तुमको जा करके वो क्या तरीका अपनाया जिससे कि इतना ज़्यादा मार्क्स क्या किया, अचीव किया। देखो मेहनत से ही सब कुछ नहीं होता है, है ना, क्योंकि मेहनत तो और भी बहुत कोई करता था लेकिन सबका 99, है ना। आई एम श्योर ऐसा भी बच्चा होगा जिसका कि जो एसएस से भी ज़्यादा पढ़ता होगा मैथ, ठीक है, लेकिन उसका भी 99 नहीं आया। तो हम लोग धीरे धीरे समझेंगे कि किस तरह से जो है इसका आया है। सबसे पहले ना हम लोग बात करते, तुम लोग के मन में सबका ये होगा कि कितना घंटा पढ़ता था, है ना, सबके मन में ये सवाल होता है, ठीक है, क्या रूटीन होता था एसएस, तुम आराम से बताओगे सुबह में कई बजे उठता था, उसके बाद जो है क्या क्या रूटीन रहता था, है ना, आराम से बताओ, ठीक है। जी सर। सुबह में कई बजे उठता था यहाँ से बताओ? ना सुबह, हाँ बोलो सर। सुबह में हम लगभग सर 6 बजे उठ के सर, सुबह में 6 बजे उठ जाता था सर, पढ़ने बैठ जाते सर। हाँ क्या पढ़ता था सर? पढ़ते थे सर कुछ याद करने वाला सर, जैसे हिंदी और उर्दू का पढ़े शब्द या और कुछ सर। ठीक चलो उसके बाद आगे बताओ। उसके बाद सर साइंस पढ़ते थे, उसके बाद सर सोशल। कै बजे तक लगभग पढ़ता था दिन में? दिन में सर लगभग 6 बजे से लेकर सर हम 8:30 बजे तक पढ़ते थे, उसके बाद सर नाश्ता वास्ता करके फिर पढ़ने बैठते थे डायरेक्ट सर 12 बजे, फिर उसके बाद हाँ उसके बाद हमारा क्लास रहता था 2 बजे से। ये सर 2 बजे से, ठीक है, 2 से 4 क्लास किया, मतलब 4 बजे घर गया उसके बाद। 4 बजे घर गया सर, उसके बाद तो फिर सर पढ़ने, जिससे अगर मन लगता था कि पढ़ने बैठना है तो पढ़ने बैठते थे, अगर घूमना था सर घूमते थे, उसके बाद फिर मतलब मगरिब मतलब सर ये अजान के बाद सर फिर हम फिर पढ़ने बैठ जाते थे। कई बजे तक पढ़ता था रात में? रात में सर 11 बजे तक पढ़ते थे। 11 से मतलब कि 6, है ना, 7 घंटा सो लेता था आराम से, क्या? चलो यहाँ तक तो सही है। चलो ये इसका क्या है, तुमको जा करके डेली का क्या था रूटीन था। अच्छा ये जो तुम मान लो कि अभी ये लोग मैट्रिक में अभी गया ही है ना, सबसे ये है मान लो स्टार्टिंग हुआ, तो स्टार्ट लोग क्या तुमसे गलती हुआ, देखो 454 आया है ना, कम तो है, एक तरह से सोचोगे कि बिहार टॉपर तो हम लोग नहीं दे सका, है ना। क्या लगता है कि क्या तैयारी में कुछ खामी रहा था या नहीं? देखो अचीवमेंट तो बहुत बड़ा है लेकिन उसके दूसरे पक्ष को भी देखना चाहिए, है ना। क्या लगता है कि क्या तैयारी में क्या कमी रह गया तुम्हारे हिसाब से? क्या लगता है कि मान लो 480 तक नहीं आ पाया जबकि उनको लग रहा था कि आ जाएगा सर? उसमें सर कुछ मतलब शुरू में सर एकदम बच्चा करता है कि एकदम पूरा टेस्ट में मतलब लगता है कि लगा दिया पूरा जान वान सब लगा दिया, उसके बाद सर लास्ट में पता नहीं मतलब क्या करें सब बच्चा, तो हम बोलना चाहते हैं सर कि रेगुलरली मेहनत करना चाहिए सर लगातार, ठीक है, लगातार लगभग कितना घंटा लगभग पढ़ना चाहिए हमारे हिसाब से? सर हम लगभग 6 घंटा सोते थे, उसके बाद 3 घंटा सर 3 या 4 घंटे इधर उधर करते थे, जो बचता था सर हम उसको पढ़ते थे। हम सर गिनती नहीं किए कि हम कितना घंटा पढ़ते थे। प्रॉपर मतलब ये सर? ठीक बहुत बढ़िया। चलो ये बताओ तुमको जा करके कि जो एग्ज़ाम में जो तुम सोचे होगे कितना मार्क्स तक सोचे थे कि आ जाएगा एग्ज़ाम से पहले? एग्ज़ाम से पहले कितना सोचे थे टोटल मार्क्स कितना आ जाएगा जब तैयारी कर रहे थे? बोलो बोलो। ये सर 475 लगभग सोचे थे। 475 सोचे थे एग्जाम देने के बाद कितना मतलब कैलकुलेट किए थे? सर 480 लगभग। 480 ये कैलकुलेट किए थे? यस सर। ठीक है, तो मतलब कि नंबर इसका मतलब तुम्हारे उम्मीद से कम आया है। यस सर। ठीक है, रिएक्शन कैसा था जब तुमको पता चला कि 452 था? बहुत खुश हुआ कि मतलब कि दुखी हुआ, कैसा रिएक्शन था? सर खुश तो हुए सर, मगर अंदर से थोड़ा निराश हुए कि इतना कम नंबर आया। ठीक है, और मैथ में कितना सोचा था लगभग आने का? 100 सोचा था? सौ। और एग्जाम के बाद भी 100 था फाइनल? मैंने एग्जाम देने के बाद भी लगा था 100 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन 99 आया, तो दुखी हुआ होगा 99, है ना। फिर भी 99 नंबर देखो कम छोटा अचीवमेंट नहीं होता है, है ना, वो कट लेता है कहीं कहीं से, ठीक है, वो तो तुम समझते ही हो, 100 में 100 जल्दी देता नहीं है, ठीक है। चलो ये तो हो गया हम लोगों का एक बात, अब आगे ये बताओ कि मैथ का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट यही है। देखो मैथ में तुम्हारे ही बैच का बहुत का कोई ऐसा हुआ है जो 13 नंबर लाया है,
ठीक है, तुम्हारे बैच का कितना लाया है? 13 नंबर। सेम ही क्लास में पढ़ता था, तुम्हारे साथ ही बैठता था, सेम ही टीचर है ना, हम ही खड़ा पढ़ाते थे, लेकिन समझ जाए तो फिर भी उसका 13 आया है। ठीक है, बहुत किसी का ऐसा होगा कि मैथ में ही डर रहता है, देखो नंबर जो है हाईएस्ट सबका मैथ में ही है, और सबसे लोएस्ट भी है, अगर फेल कोई करवाया है तो वो मैथ ही करवाया है, समझ रहा है ना, मतलब दोनों है, या तो बहुत अच्छा है या तो बहुत ही ख़राब है। ठीक है, तो क्या मतलब कि तैयारी तुम किस तरह से मैथ का करता, जैसे बताओ क्या किस तरह से घर में तैयारी करता था मैथ का? जैसे सर हम तैयारी करते थे NCERT सर बेस्ड मैक्सिमम पढ़ते थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अदर पब्लिकेशन जितना भी है सर, किसी सेना या भारतीय भवन, उसका सर ऑब्जेक्टिव देखते थे। उसके बाद शुरू शुरू में सर गाइड कम पढ़ते थे, लास्ट में गाइड पढ़ना शुरू किया। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन बैंक सबका? सर क्वेश्चन बैंक सर बाद में देखा था। ठीक है, कितना घंटा मैथ सॉल्व करता था घर में? लगभग फिर भी 2 घंटे, लगभग सर 2-3 घंटा सॉल्व करता था ना। चलो एक चीज़ इसमें है, जैसे कि हम लोग कोई मान लो चैप्टर स्टार्ट किया, फर्ज करो कि 1.1 स्टार्ट किया, ठीक है, तो हम लोग का होता है क्या, थ्योरी बता दिए है ना, सवाल तुमको दे दिए बनाने के लिए है ना, उसके बाद जो है तुम जो घर जाता था है ना, बनाना शुरू किया, तो उसमें क्या होता है कुछ कुछ सवाल में हम लोग फंसते भी है। ठीक है, तो उस समय क्या करता था, जैसे कोई सवाल तुम घर में बनाने गया तुमसे नहीं बना तो क्या करता था सर? हमसे नहीं बना उसको प्रैक्टिस करते थे, अगर जब नहीं बना तो सर हम मतलब कुछ में आगे सर सर से पूछ लेते थे। ठीक है, जैसे मान लो कि एक बार बनाने गया एक बार नहीं बना, ऐसा होता होगा, तब क्या करता, दोबारा बनाता, कितना बार बनाता सर? दोबारा बहुत बनाते थे, इधर उधर से आंसर की तरफ से, क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन आंसर की तरफ, मतलब बनाने की प्रयास करते थे सर। चलो ये सब है ना, तो इस तरह से क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस है ना, एक सवाल को कई बार ट्राई करोगे, उस दिन भी हम लोग बात कर रहे थे है ना, तो ये चीज़ है। अच्छा ये बताओ तुम जा करके, जैसे एग्जाम अब स्टार्ट होने वाला है, मान लो 1 मंथ बचा हुआ है, ठीक है, तब क्या तैयारी, मतलब कि जैसे शुरू में कर रहा था वैसे कर रहा था, कुछ मतलब कि बढ़ाया था क्या? सर बढ़ाए तो नहीं थे, मगर ये थोड़ा कुछ अलग लेवल से तैयारी की थी सर, मतलब कि लेवल बताओ इसको जाने का। ये सर कि जैसे मान के चलते हैं कि फार्मूला, ये मतलब फार्मूला सर रिवाइजिंग करते सर, और फार्मूला रिवाइज कैसे करता था, लिख के याद करके, कैसे लिख करके है ना सर, याद हम कभी नहीं करते थे, कल लिख के करते थे। देखो SS का ना एक और चीज़ तुम लोग को हम बताते हैं, इससे जब हम फार्मूला पूछते थे ना, मतलब बैच में जो फार्मूला पूछते थे, तो इसका एक ही था कि सर हम बोल नहीं पाएंगे लेकिन लिख देंगे, मतलब इसका अलगे वाला बात था, कितना दिन जो है ना पीटे भी हैं इस बात पर, ठीक है, काट देना रोहित तुमने कि इसका मतलब ये कहने का था कि सर हम लिख देंगे फार्मूला लेकिन खड़ा होकर बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, हाँ बहुत बड़ी बोला था बैच में सब। ठीक है, तो चलो ये चीज़ है, लिख लिख करके याद होता है। और हमको बताओ कि जैसे मान लो मैथ का एग्ज़ाम, कल मैथ का एग्ज़ाम है ना, सुबह में एग्ज़ाम था, रात में क्या तैयारी किया था सर? रात में सर जितना कोचिंग का सर टेस्ट था, वो क्वेश्चन पेपर सब रिवाइज किए थे, NCERT मैथ रिवाइज किए थे, उसके बाद फॉर्मूला रिवाइज करके ज़्यादा नहीं सर लगभग छोड़ दिया। कितना मतलब मैथ के एग्जाम के दिन कई बजे तक पढ़ा था रात में सर? कितना बजे रात में सर पढ़ना वो मायने रखता सर, कितना पढ़ना वो मायने रखता सर? नहीं नहीं, तुम उस दिन कितना सर ना ज्ञान बांट रहा है ना सर सर मैथ का एग्जाम जो था ना, इधर आओ इधर, मैथ का एग्जाम जो था ना उस दिन जो है रात में जो है कई बजे तक पढ़ा था सर? 11 बजे तक, 11 बजे तक पढ़ा था ना। हाँ उठो, बात अब बोल दो, क्या बोला इससे पहले सर? कोई बच्चा करता है कि बोलो आगे सामने देख के बोलो। हाँ ये सर, कोई बच्चा मतलब ये करता है कि खो मोबाइल चलाया, दोस्त को इधर किया, 4 घंटा तो सर गवा दिया, उसके बाद बोला कि हम 1 बजे से पढ़ना शुरू करें, 1 बजे पढ़ेंगे, उसके बाद बोलता है कि हम रात में पढ़े। कोई बच्चा सर दिन में भी पढ़ के सर नंबर ले लेता है सर, वो माने रखता है कि सर रात में पढ़े या दिन में पढ़े, मगर है सर मेनली वो पढ़ना। बात देखो बहुत पॉइंट वाला बात ये बोला है, कभी कभी ना हम लोग अपने गार्जियन को दिखाने के लिए, या तुमको सर को दिखाने के लिए, अपने फ्रेंड को दिखाने के लिए, या खुद को जताने के लिए क्या करते हैं, 10 बजे 11 बजे तक कुछ नहीं करते, मोबाइल चलाते हैं, TV देखते हैं, 11 बजे पढ़ने बैठते हैं, 11 से कई बजे तक पढ़ लेते हैं, 1 बजे तुमको लगता है बाप रात में 1 बजे तक जग के पढ़े हैं, समझ गया, ऐसा भी बहुत कोई करता है, जबकि टाइम तुम 2-1 घंटा दिया है ना, लेकिन क्या 1 बजे तक पढ़े, अपना दोस्त को मैसेज भेज दिया कि हम अभी तक जग के पढ़ रहे हैं, समझा, तो ये चीज़ भी बहुत मतलब यही चीज़ है कि कितना ज़्यादा पढ़ रहा है यही इंपॉर्टेंट है, कितना बजे तक पढ़ रहा है, कई बजे उठ रहा है, कई बजे सो रहा है, इससे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता। ठीक है, चलो और बताओ तुमको जा करके, जैसे मैथ का एग्ज़ाम था तुम देने, जो पेपर कैसे अटेम्प्ट किया था, क्या प्रोसेस, पहले क्या बनाया सर? पहले तो हम सर ऑब्जेक्टिव बनाए थे, उसके सर जो आप बताए थे कि एक मतलब जितना क्वेश्चन बनाना है वो मतलब नंबर वाइज लिखना है क्वेश्चन में ही सर। हाँ 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 ठीक है, वो चीज़ है, वीडियो डाला हुआ देखना तुम। सर
उसके बाद सर हम सब्जेक्टिव बनाए थे सर, पांच नंबर वाला पेपर बनाया। हाँ देखो, ऑब्जेक्टिव के बाद पांच नंबर वाला बनाया था, ठीक है। प्रिंस जो है ना, प्रिंस भी ऐसे बनाया था, ऑब्जेक्टिव के बाद पांच नंबर वाला, तब दो नंबर वाला, ठीक है। ये चीज़ हम तुम लोगों को बोले भी थे बैच में कि दो नंबर वाला छूट जाए कोई बात नहीं। देखो प्रिंस का दो नंबर वाला छूटा, पांच नंबर वाला नहीं छूटा। अगर वो करता, अगर पहले दो नंबर बनाता तो पांच नंबर का क्वेश्चन उससे छूटता, ठीक है। चलो हाँ, उसके बाद ये सर, और देखते थे कि कौन सर मतलब हमसे कि पूरा बन जाएगा, तो हम उस क्वेश्चन को मतलब बनाते थे सर। और पहले जैसे हमको टाइम बचा, मतलब कि उमर के बाद से जो टाइम बचता था, तो हम पहले सोल्व करते थे कि इतना आंसर कितना आएगा, कितना ये मैथ मतलब सही है कि मतलब भी। अच्छा, ओएमआर के बाद कॉपी देता था जमा लेने के बाद, लगभग सर वही, कभी उमर के बाद और कभी कभी साथ साथ। अच्छा ठीक, चलो मैथ का जो तुम टोटल हल किया तुमको जाकर, कितना समय लगा था, कितना समय बाद में बचा हुआ था? जैसे तीन घंटा का एग्जाम था ना ये सर, तीन घंटा का था, तो सर हम दो घंटा में सर लगभग सब सोल्व कर लिए। दो घंटा में टोटल बना लिया था? यस सर। उसके बाद आधा घंटा सर हमको लगा वही भरने भरने में, और मतलब सर क्या क्या होता है ना सर वो भरने भरना, उसके बाद आधा घंटा समय बचा था मेरे को। समय आधा घंटा बच भी गया था बहुत। देखो मैथ के एग्जाम में ना बहुत को समय नहीं बचता है, ठीक है, टाइम कम पड़ गया इस तरह से, ठीक है। और कुछ बताओ आगे तैयारी का, हम लोगों का मतलब कि क्या कोचिंग का जो प्रोसेस था, जिस तरह से टेस्ट था, कितना हेल्प तुमको पहुँचाया उस समय? सर हम पूरा अररिया में देखे सर, हमको MC20 ऐसा कोई अच्छा सर कोचिंग नहीं मिला। वो सब सर कोचिंग क्या करता है कि मतलब शुरू शुरू में बहुत बढ़िया से पढ़ाता है, लास्ट एक मिनट जोड़ देते हैं। MC20 जो है ना, हम लोगों का अररिया वाला ब्रांच का नाम है, ठीक है। हाँ, वहीं का स्टूडेंट है ये। हाँ बताओ। हाँ तो सर वो और सर कोचिंग देखे कि वहाँ तो बच्चा देखने का गया था ना सर, मतलब बच्चा सबको देखे सर कैसे पढ़ता है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, देखने जाता है, फोटो ले लेता है, फोटो लगा देता है लो। हाँ यस सर, तो बच्चा सर मैथ जो पढ़ता था सर कॉपी में देखे थे, तो कि एकदम सोशल की तरह लिखता था, माना कि समीकरण ये इतना इतना लंबा लंबा लिखता था सर। सर बढ़िया होंगे कोचिंग के? नहीं सर, मैथ के बढ़िया तो टीचर है सर, मगर सर बच्चा सब सर एकदम पूरा MC20 के सर। यस, तो हम लोग को सर की टाइम टाइम पर सर टेस्ट लेते थे सर आप सर, उसके बाद आप लोग मतलब टीचर से सर हम लोग को बहुत बड़ा हेल्प मिला सर। रट के आया था ये? नहीं सर। ठीक है, तो ये सब सारा चीज़ है। और बताओ पढ़ाई के क्रम में जो है ना, बहुत सारा कुछ सवाल अब बस हम लोग खत्म करें, तुम लोग के अंदर कुछ क्वेश्चन होगा तो तुम लोग पूछना, है ना, बहुत ज़रूरी है। हम लोग ये बताओ कि पढ़ाई के क्रम में जैसे मान लो कि हर इंसान के साथ सबके साथ होता है, हम लोग के साथ जैसे मान लो पढ़ रहे मन कर रहा मोबाइल चला लेते थोड़ा, है ना, मन कर रहा मतलब डिस्ट्रैक्शन जिसको बोला जाता है, ध्यान भटकता है, ठीक है। देखो एक तो बाहरी डिस्ट्रैक्शन मोबाइल वोबाइल से डिस्ट्रैक्ट होता है, कुछ आंतरिक भी होता है, किसी के बारे में सोचने लगा, है ना, ठीक है। तो इस तरह के डिस्ट्रैक्शन से कैसे बच सकते हो सर? जैसे सर हम अपने मतलब अपना सर घर का माहौल को सर मतलब थोड़ा याद करते थे कि सर मेरा अम्मी पापा सर कितना मेहनत से मतलब हमको सर पैसा दिए वो पढ़ाने के लिए, और हमें भी मोबाइल देखेंगे मतलब टाइमर बात करेंगे, तो हम सर अपना मतलब पढ़ाई में ध्यान देते थे, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन से बचने का जो है ना, बहुत सबसे अच्छा उपाय वही होता है कि खुद को देखो कि क्या स्तर है, क्या यही स्तर में जीवन जीने के लिए हम लोग जन्म लिया है, है ना। मम्मी पापा हम लोग के लिए क्या कर रहा है उससे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग अपने मम्मी पापा के लिए अभी तक क्या किए हैं, ठीक है। जन्म दे दिया तुमको, चलने फिरने सिखा दिया, और क्या चाहिए, ठीक है। अब तुम सोचेगा कि नहीं मेरे लिए ज़मीन जायदाद भी रख दे, नहीं मेरे लिए ये भी कर दे वो भी कर दे, फिर तो वो गलत जगह है ना, गलत ट्रैप में जा रहा। तुम क्या कर रहा है अपने मम्मी पापा के लिए, ये चीज़ जिस दिन तुम्हारे दिमाग में आने लगेगा ना, तुम खुद मेहनत करो, इससे बड़ा मोटिवेशन वो इंजीनियर बनना डॉक्टर बनना ही नहीं, ठीक है। तुम अपना स्थिति सुधारने के लिए क्या कर रहा है, मेहनत करना कर रहा है, तो उससे बड़ा मोटिवेशन खुद पढ़ने का मन करेगा तुमको। यस, ठीक है, और भी बहुत सारा कुछ कर लोगे। सर दोस्तों से बोलता है कि चलो जो होटल चलो चाय का दुकान में चाय पीते हैं, ये करते हैं, तो सर हम मतलब नहीं जाते थे क्योंकि चाय नहीं पीता था तुम सर, चाय नहीं पीते सर, चाय नहीं पीता है तुम नहीं पीते, इसीलिए एक नंबर कट गया। पीता तो क्या करता, इसीलिए एक नंबर कट गया ना, चाय का नहीं पीता है। नहीं सर हम बोलना चाह रहे कि बहुत सब दोस्त बोलता था चलो रसगुल्ला खाते ये खाते हो होटल चलो, तो सर उससे हम मेरा सर टाइम बहुत वेस्ट होता था। कोई बच्चा सोचता है कि सर उसी में सर जिंदगी है, तो हम अपना हम उसको छोड़ करके अपना हम सर यो सब बच्चा सोचता है ये सर, तो हम अपना सर पढ़ाई में ठीक है टाइम। चलो ये बताओ कि फ्रेंड मतलब कि कितना इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं है जीवन में, मतलब कि दोस्त का होना तो है ना, कोई मित्र है साथे में बैठेंगे साथे में घूमेंगे साथे में पढ़ेंगे, है ना, क्या इसमें क्या थॉट है मित्र का, क्या बहुत किसी के जीवन सर में है? जीवन में सर मित्र लगभग एक दो ठो सर होता है कि जो मतलब जान देने के लिए तैयार है, नहीं तो सर सब कोई क्या है कि सर आवश्यकता पर मित्र है सर, ठीक जैसे, है जैसे कि नोट्स चाहिए तो दोस्त दोस्त सर इसी तरह तुमको लिया था दोस्त बोल के तो उसका धोखा सर
इसी तरह दोस्त था सर, और मतलब काम के लिए दोस्त है, और दो तीन ठो ऐसे दोस्त है कि जो मतलब जान देने के लिए सर भी तैयार है। ठीक है, के है सर को जान दे नहीं सर को मतलब बता रहे सर, कहानी याद करके आया है। देखो हमें, तुम लोग हमेशा एक बात याद रखोगे, जो व्यक्ति सक्सेसफुल होता है ना, और जो व्यक्ति टॉप करता है, बहुत पढ़ने में अच्छा होता है ना, उसका दोस्त ज़्यादा नहीं होता है। या तो उसका सब दोस्त होता है, सबसे फ्रेंकली बात कर रहा है, काम से काम है ना, या उसका कोई भी दोस्त नहीं होता। वैसा दोस्त उसका नहीं होता है कि भाई मार हो गया आओ, दौड़ गया लाठी लेके। टॉपर को तुम फोन कर देगा, वो नहीं जाएगा, वो जब भी नहीं करेगा। वो ये कर सकता है, जो भी सक्सेसफुल आदमी है उसको भी तुम फोन करेगा, भाई मार हो गया दौड़ो। दौड़ेगा कौन, जिसको कि कोई काम नहीं, भेला बैठा हुआ है ना, फोन किया दोस्त, हाँ दोस्त कहाँ, ये भी पांच को फोन किया, दौड़ गया सब, समझा। जिसको जो है, जो प्रॉपर सक्सेसफुल होता है या जो बढ़िया कुछ करता है ना, वो बाद में मार के बाद तुम्हारा इलाज करवा देगा, लेकिन वो मार करने नहीं जाएगा, है ना। वो मित्र में सर्किल में ही नहीं रहेगा। सबसे पहला होता है ना फ्रेंड सर्किल, देखोगे गंदा आदत जिसका होता है ना, उसका फ्रेंड सर्किल क्या होता है, बड़ा होता है, उसी में दोस्त होता है, जिगर का टुकड़ा ये सब होता है ना। जो सक्सेसफुल होता है, जो सही ट्रैक पर जा रहा होता है ना, सही ट्रैक पे जाने वाला जो होता है ना आदमी, कि कोई भी हो दुनिया में, तुम याद तुम किसी को भी उठा लो, लगभग वो अकेला पड़ जाता है एक टाइम के बाद, क्योंकि हम लोग का मानसिकता ही उसी तरह से है, हम लोग नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अभी ये सब बात सुनने में किसी को अच्छा नहीं लग रहा होगा, अगर यहीं पर कोई मूवी वूवी चल रहा होगा तो हम लोग को और भी मतलब कि अच्छा लग, है ना। तो गलत ट्रैक पे ना आदमी क्या होता है, जल्दी जाता है, सही ट्रैक पे क्या होता है, आदमी कम जाता है ना। चलिए ये चीज़ हो गया, अब जो है तुमको जा करके सारा लगभग क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए हैं। तुम लोग इसी तरह से जो है ना, अब चलो तुम लोगों को अगर कोई कुछ किसी को कोई सवाल करना हो, ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, जो अपने मन पे जीत लिया ना, जो अपना डिस्ट्रैक्शन को काट लिया, ठीक है, वही सक्सेसफुल होगा दुनिया में, हमेशा याद रखोगे। डिस्ट्रैक्शन दो लेवल पर होता है, थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, एक तो होता है मतलब एक्सटर्नल, एक होता है क्या इंटरनल। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि तुम जैसे मान लो कि तुमको मोबाइल चला रहा है ना, उसमें डिस्ट्रैक्ट हो रहा, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, टीवी चल रहा है, तो ये सबसे बचने का बहुत आसान उपाय है, जैसे कि मोबाइल से तुमको पता है कि डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, मोबाइल बंद कर देगा, ठीक है, मुश्किल है लेकिन करना पड़ता है, ठीक है, टीवी बंद कर दिया। कुछ कुछ होता है ना इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं होता, कभी कभी पढ़ते पढ़ते हम लोग कोई ख्याल में डूब गया, ख्याल बहुत सारा तरह का होता है, बड़े हो रहे हो तुम लोग, है ना, हार्मोनल चेंजेस आता है, तो बहुत सारा दिमाग में थॉट चलते रहता है कि फलना अगर हो जाता ब्याह तो कितना अच्छा हो जाता जीवन में मेरा, समझ गया, होता है ना इस तरह का, ठीक है। तो ये सब सारा कुछ क्या होता है, तुमको जा करके क्या होता है, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। कभी कभी सोच रहे इतना पढ़ रहे हैं, फलना भी इतना पढ़ा था, उसको तो कोई नौकरी नहीं हुआ, हमको होगा कि नहीं, सर उतना भाषण देते हैं, सर तो खुद टॉप आज तक नहीं किए, हम लोग को बोलते हैं, समझ गया। कभी कभी जो है ना दिमाग में इस तरह का थॉट सब आते रहता है, क्या होगा, घर होगा कि नहीं, ऐसा गरीबी रहेगा कि हमेशा हम लोगों का, तो इस तरह का थॉट जो है ना दिमाग में चलते रहता है। तो ये सब चीज़ पे जिस दिन तुम काबू पालोगे ना, और ये सब चीज़ दूर कैसे होगा, ये जो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन है कैसे दूर हो सकता है, उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि कोई फौजी है, युद्ध चल रहा है, कहाँ पे, बॉर्डर पे, है ना, कान के पास से गोली निकल रहा है, कोई तो हेलमेट में टकरा के गोली चला गया, क्या उसके दिमाग में ऐसा बात आएगा कि फलना से मेरा शादी काहे नहीं हुआ, गोली जा रहा है कान के बगल से, क्या उसको मन करेगा कि दो ठो रील देख लेते हैं, मरनी है अब तो, नहीं आएगा, क्योंकि वो उस टाइम में क्या कर रहा है, इधर काम कर रहा है, उस टाइम में वो क्या कर रहा है, तो उस समय वो डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है। जैसे अब हम लोग पढ़ा रहे हैं, है ना, डिस्ट्रैक्ट तुमका होगा जब तुम अकेले में रह रहा है, उस टाइम में घर में बैठा हुआ है ना, और तुमको सोच रहे नहीं कल मैट्रिक का एग्जाम है, जैसे सोचो कि तुम्हारा कल एग्जाम है मैट्रिक का, हर कोई फील करोगे ना उस दिन, तुम जो भी मैट्रिक दे दियो वो सब भी है ना, मैट्रिक का कल सुबह एग्जाम है, उस रात में तुमको कोई डिस्ट्रैक्ट कर सकता है पढ़ने से, तुम मन करता होगा मोबाइल चला लेते हैं, क्यों, क्योंकि वो चीज़ हम लोग के क्या आ गया, नज़दीक आ गया है जो रिजल्ट है, ठीक है, तब हम लोग अलग लेवल का क्या करते हैं मेहनत। उस टाइम तुमको कोई भी दोस्त कितनों बोल देगा कि चलो घूम लेते हैं, कितनों सुंदर महिला रील बना देगी, फिर भी तुम नहीं, नहीं, नहीं। दोनों तुम ही है, एक जो तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है वो भी तुम ही है, जो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है वो भी तुम ही है, दोनों तो तुम ही है, लेकिन देखोगे कि काम का लेवल देखो, ठीक है, तो उसका एक के तरीका है कर्म, तुम मैथ सॉल्व कर रहा है, तुम कुछ याद कर रहा है, तुम पढ़ रहा है, तुम टारगेट बना के पढ़ रहा है, ये नहीं कि कितना घंटा पढ़ रहा है, ये सोच के बैठना है पढ़ने के लिए कि ये चीज़ हमको कंप्लीट करना है, ये पांच क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, ये 10 क्वेश्चन याद कर लेना है, या इसको लिख लेना है, इस तरह से लेकर के बैठोगे। अगर तुम ये सोच के बैठोगे नहीं हमको 6 घंटा पढ़ना है, तो आदमी 2 घंटा लगभग पढ़ता है, बाकी 4 घंटा तो टाइम ही वेस्ट करता है,
ठीक है, पढ़ना जरूरी है, पढ़ता हुआ दिखाना जरूरी नहीं है, ठीक है। 4 घंटा 5 घंटा पढ़ के भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आदमी करता है, ठीक है। जो भी इंटरव्यू में तुम टॉपर से पूछना ना, वो उतना ही पढ़ता है जितना तुम लोग पढ़ते हो, बस बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पढ़ता है, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा अपना मतलब कि इसको स्ट्रांग करो डिजायर को कि टॉप करने करना, इतना नंबर लाने लाना है ना, इसी नंबर से हम लोग को आगे जॉब होगा, इसी मेहनत से जॉब होगा, तो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, ठीक है। चलिए अब आप लोग के मन में अगर किसी को कोई सवाल पूछना है SS से, ठीक है, तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं खड़े होकर कुछ भी, किसी भी तरह का क्वेश्चन। सर ये हम NCERT के अलावा और बनाते थे, मगर उसका खाली ओनली ऑब्जेक्टिव बनाते थे और सब्जेक्टिव खाली NCERT बेस्ड ही बनाते थे, हो गया, ठीक है। NCERT काफ़ी है, NCERT क्वेश्चन बैंक दो ही चीज़ तो पढ़ना है 10th क्लास के लिए, मैथ में 100 आ जाएगा, मतलब 99 100 ये हुआ। हाँ बोलिए, और कोई चलिए ठीक है, लगभग क्वेश्चन हम लोग कवर भी कर लिए थे, है ना, जो भी तुम लोग पूछ सकता था। चलो यहाँ तक हो गया, तो चलो एक बार जोरदार जो है ताली हो जाए SS के लिए।